नंबर है 2.12. व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर सेकेंड इनवर्स. मतलब कि हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें इसमें मास दिया हुआ है 0.1 केजी में ही दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी वेलोसिटी को हमें, वेलोसिटी भी हमें दी हुई है. वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स दी हुई है. तो हमें व्हाट विल बी द वेवलेंथ, हमें निकालना है वेवलेंथ निकालना है. तो इनमें रिलेशनशिप कौन सा होता है, मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. मतलब कि पी इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा. एच इसको हटाएंगे तो एच आएगा 1/λ. अब देखिए मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो हमें क्या निकालना है, लैम्डा. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी. इसमें बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू प्लैंक कांस्टेंट के वैल्यू इंटू 10^-34 जूल सेकेंड. और मास कितना दिया हुआ है, 0.1 केजी में ही दिया हुआ है. इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स दी हुई है. ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा कि ये इस पॉइंट से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये बचेगा कितना, ये वेवलेंथ हो जाएगी 6.626 इंटू 10^-34 मीटर. ये कैसे आएगी, देखिए जूल इज इक्वल्स टू होता है किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकेंड माइनस टू, इतना होता है जूल की वैल्यू. ठीक है, तो यदि हम सेकेंड को नीचे ले आए हैं, वहां पर ले आए, तो ये हो जाएगा सेकेंड माइनस टू, ये हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो जूल से मिल रहा है हमें, फिर किलोग्राम भी यहां से हमें मिल रहा है. यहां पर मीटर जो है, मीटर नहीं मिल रहा है, तो ये सब तो जूल के इक्वल हो गए, लेकिन मीटर जो एक सिंगल रह जाता है वो बच जाता है, तो यहाँ पर ये एम आ जाएगा. तो इस ये होगी वेवलेंथ. ठीक है, इसकी वेवलेंथ जिसका मास ये होगा और वेलोसिटी ये होगी. तो ये हो गया इसका आंसर. इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2.13, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के लिए ही पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है तो पता ही होता है. इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताया हुआ है कि 3×10^-25 जूल है. हमें बताना क्या है, हमें बताना है वेवलेंथ को. इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हमें वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है. मास हमें गिवन है, मास हमें गिवन है 9.1×10^-31 केजी, हमें गिवन है. और वेलोसिटी जो है ये हमें नहीं गिवन है, ये इसकी जगह हमें क्या दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है. तो इसको हमें निकालना पड़ेगा. तो फॉर्मूला जो है हमारा, फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो तो यही वाला होगा कि एम जी इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा. ठीक है, ये अब हमें यहाँ पर लैम्डा निकालना है, तो एच डिवाइडेड बाय एम वी. देखिए ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है, वेलोसिटी हमें निकालनी है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² ये होती है काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी से देखिए हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं. कैसे, यदि इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये जगह 2 काइनेटिक एनर्जी, एम इसके नीचे हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर. ठीक है, तो ये वी स्क्वायर को इस तरह ट्रांसफर करेंगे, ये हो गया. अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे. ठीक है, 2×काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3×10^-25 जूल ये दी हुई है, डिवाइडेड बाय मास कितना दिया हुआ है, 9.1×10^-31 केजी ये दिया हुआ है. और यहां से क्या निकल जाएगी हमारी वेलोसिटी. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वेलोसिटी निकलेगी वो वेलोसिटी होगी 8, ये इसके ऊपर हाफ है. वेलोसिटी निकलेगी 8.12 मीटर सेकेंड
इनवर्स, ये निकलेगी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, यदि हम सारी यूनिट्स को यहाँ रख दे तो उसके बाद वो यूनिट बचेगी वेलोसिटी की। अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, हमें निकालना है वेवलेंथ। अब हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमने वैल्यू को पुट किया तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6.626 इंटू 10^-34 जूल डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10^-31 इंटू वेलोसिटी कितना आया 812 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 8967 इंटू 10^-10 मीटर, इतना आएगा। यदि हम इसको नैनोमीटर में लिखें तो नैनोमीटर में यह हो जाएगा 0.8967 नैनोमीटर, ये इसकी नैनोमीटर में वैल्यू आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 2.14। एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.14 है, इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन। मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको मास निकालना है। और हमें दिया क्या हुआ है, हमें वेवलेंथ गिवन है 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करते हैं, यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू होता है 10^-10 मीटर, इतना होता है। तो इसलिए हम इसको एंगस्ट्रॉम से जब हम मीटर में ले जाएंगे तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10^-10 मीटर, ये क्या हो गया हमारा वेवलेंथ आ गया। ठीक है, हमें मास निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है इनके बीच में, रिलेशनशिप क्या होता है मास और वेवलेंथ के बीच में, अभी बताया कि मोमेंटम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। तो वो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय लैम्डा, हमें निकालना है मास। तो हमें निकालना है मास, तो हम वेलोसिटी को भी नीचे ले जाएंगे तो मास इज इक्वल्स टू एच लैम्डा इंटू वी। आप देखिए वी मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फोटोन के लिए क्या होगी, फोटोन मतलब लाइट, और लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है सी इज इक्वल्स टू होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किसकी वेलोसिटी होती है, लाइट की, फोटोन मतलब लाइट, तो वही हो गया। यहाँ पर हम रख देंगे 6.626 इंटू 10^-34 लैम्डा कितना है 3.6 इंटू 10^-10 इंटू वेलोसिटी 3×10^8 मीटर, ये तो हो जाएगा जूल सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये होगी, ये भी मीटर में होगी। अब देखिए यहाँ से इसका जो मास कैलकुलेट होकर आएगा वो होगा 6.135 इंटू 10^-29 केजी, केजी में होगा ये, तो ये इतना मास कैलकुलेट होकर आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में बस ये था कि इसने वेलोसिटी नहीं दी थी, क्यों, क्योंकि वो फोटोन था, तो फोटोन की वेलोसिटी तो वही होगी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल, और कुछ नहीं बस, और सिंपल ही था क्वेश्चन, इसमें बस इसको कन्वर्ट करना, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल।